जस्टिस भटनागर, शैतान सिंह के केस के आते ही आपसे पहले तीन जज छुट्टी पर चले गए, ये जानते हुए भी आप शैतान सिंह को सजा सुनाने चले आए? मुझसे पहले जो लोग छुट्टी पर गए हैं ये उनका जाती मामला है। कानून जिस दिन जुर्म से डरने लगेगा उस दिन इंसानियत की मौत हो जाएगी। एक सवाल और सर। एनाफ फॉर द डे। मामूली इंसान था, फौज में भर्ती हुआ, कप्तान बना, फिर फौज से भगोड़ा होकर आतंकवादियों का साथ देने लगा और आज लोग इसे सेल्फ स्टाइल जनरल शैतान सिंह के नाम से जानते हैं। माय लॉर्ड, मुलजिम शैतान सिंह को इंसान कहना खुद इंसानियत के मुंह पर तमाचा मारना है। यह इंसान नहीं, एक दरिंदा है जिसने पैसों की लालच में नहीं सिर्फ इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह काटा बल्कि इसने अपने मुल्क को विदेशी ताकतों के हाथों बेचने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसके गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ते पढ़ते इंसान बूढ़ा हो जाए लेकिन इसके गुनाह खत्म ना हो। लिहाजा अदालत से मेरी गुजारिश है कि वक्त बर्बाद ना करके इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तुम्हारा ही नाम शैतान सिंह है? शकल देखकर पता नहीं चलता क्या? ऑर्डर ऑर्डर। शैतान सिंह, सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। टेढ़ा आदमी सीधा जवाब कैसे देगा जज साहब? आप अगर चोर से कहा जाए कि वो तिजोरी की रखवाली करे तो वो कैसे करेगा? वो तो साला तिजोरी के साथी गुल हो जाएगा ना। तुम पर जो इल्जाम है उसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। इस दुनिया से तुम्हारा दिल भर गया है क्या? शैतान सिंह, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, उससे जो कल का सूरज नहीं देखेगा। मैं कसम से बोलता हूं, मेरी जबान काली है, मुंह से बात निकल गई ना, खत्म तेरी जिंदगी, खत्म तेरी जिंदगी, खत्म खत्म। इस अदालत की कार्रवाई सोमवार 7 जुलाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। जैसा अब उस साले शैतान सिंह की हिम्मत तो देखिए, भरी अदालत में आपको धमकी दे रहा था। वर्मा, उसे लगा होगा कि शायद मैं भी उसकी धमकियों से डर जाऊंगा, मुकदमा खारिज कर दूंगा और उसे बरी कर दूंगा। बस यही एक गलती कर दी आपने। आज ही अगर फांसी की सजा सुना देते तो बड़ा मजा आ जाता। वर्मा, जब इंसान को पता चल जाए कि वो किसी भी पल मरने वाला है और उसे कुछ दिन और जीने के लिए कहा जाए तो ऐसी इंतजार की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। बिल्कुल ऐसी ही हालत इस वक्त शैतान सिंह की है। संभल के वर्मा, बहुत देर, तुम चलो। जी। अच्छा, फिर हम चलते हैं। अब तुम जाओ, मुझे सोने दो। ओके ओके, गुड नाइट। वर्मा, मैंने कहा ना मुझे सोने। मुल्जिम जस्टिस भटनागर पर यह इल्जाम है कि यह सत्य का पुजारी है, सिर्फ सत्य का। झूठ, फरेब, बेईमानी और खून जैसी अच्छी बातों से इससे सख्त नफरत है। मिलॉर्ड, कितनी बार समझाने के बावजूद भी
इसने सच्चाई जैसी बुराई का साथ नहीं छोड़ा। That's all, Your Honor. मुल्जम जस्टिस भटनागर, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अब तुम्हें सजा मिलेगी। कहा था ना तुझसे कि हमसे टक्कर मत ले, मगर तू नहीं माना। अब बुला अपने भगवान को और कहे उसे कि वो तुझे बचाए। नहीं बचा पाएगा, क्योंकि शैतान से टक्कर तो भगवान भी नहीं ले सकता। और तू, तू तो एक मामूली सा इंसान है। तुम मुझे इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सजा सुनाने वाले थे, और मैं आज तुम्हें क्रिमिनल पीनल कोड के हिसाब से सजाए मौत देता हूं, अभी और इसी वक्त। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। वंदे मातरम। रुक जाइए मुख्यमंत्री जी, ये फूलों के गुलदस्ते लाशों पर चढ़ाना बंद कर दीजिए। आपकी इन बेशान फूलों की महक से मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, जो सो गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है। मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के सोए हुए जमीर की बात कर रहा हूं। मेरा बेटा सो गया है, मेरी आंख तक नम नहीं हुई, लेकिन ये देश सो गया है, इसका ईमान सो गया है, यहां का इंसान सो गया है। अभी तो शैतान सिंह कामयाब है, और हम सब, मेरे बेटे की आत्मा को हमदर्दी के आंसू नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो शैतान सिंह को फांसी के फंदे पर लटका सके, मौत के इस सन्नाटे में जिंदगी को जिंदा रख सके। क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं जो शैतान सिंह नाम की आंधी के मुंह में लगाम डाल सके? तुम? जी हां गुरुजी, मैं। आप ही ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की बदौलत है। मेरा रोम रोम कर्जदार है आपका। मेरी गलतियों की जो भी सजा आप देना चाहें दे सकते हैं। कसम खुदा की उफ तक नहीं दूंगा। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, हिंदुस्तान की माओं को गाली मत दीजिए। यही वो मुल्क है जिसने एक से बढ़कर एक सुरमा पैदा किए हैं। यह मैं मानता हूं कि बहादुरों की फसल कम जरूर हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान की मां की कोख बांझ नहीं हुई है गुरुजी, जिसने बहादुरों को जन्म देना बंद नहीं किया है। मैं मेजर बरकत अली वीर चक्र वादा करता हूं, जब तक शैतान सिंह को लोहे की जंजीरों में जकड़कर उसे काल कोठरी में ढकेल नहीं दूंगा। कसम करबला की, हुसैन की जान के सदके पानी की एक बूंद भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगी। कोई शक? Thank you.
तुम? हाँ मैं, मेजर बरकत अली वीर चक्र। कोई शक? कोई शक नहीं मेजर बरकत अली, तुम्हें देखकर तरस आता है। क्या मिला तुम्हें? वीर चक्र? मुझे देखो, एक मामूली मेजर से बन गया हूं जनरल, सेल्फ स्टाइल जनरल शैतान सिंह। तूने कभी यह जानने की कोशिश की कि तेरी मां ने तेरा नाम शैतान सिंह क्यों रखा? कोई मां अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखने के बाद उसका नाम शैतान सिंह नहीं रख सकती, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि उस मां को जन्म देने वाली भारत माता का सौदा तू एक दिन जरूर करेगा। खामोश! जब तक इस पाक मिट्टी पर एक भी बरकत अली जिंदा रहेगा, तब तक तुझ जैसे हर शैतान को इस भारत मां के सामने सर झुकाना होगा। मैं 3 तक गिनूंगा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना कुत्ते की तरह घसीटता हुआ यहां से ले जाऊंगा। अच्छा, बहुत नाज है तुझे अपने बाजुओं की ताकत पर, मगर शायद तू भूल गया है कि हम दोनों एक ही गुरु के 2 शिष्य हैं। इसीलिए तो तेरी कमजोरी मैं जानता हूं। कमजोरी? कोई शक? कौन सी कमजोरी? मेजर बरकत अली, तो तुम ही हो वो सूरमा जिसने मेरे भाई की गर्दन पर हाथ डाला है? अभी तो सिर्फ गिरेबान पे हाथ डाला है, कुछ ही दिनों में उसके गले में फांसी का फंदा भी मैं ही डलवाऊंगा। बरकत अली, वो हैवान सिंह के भाई की गर्दन है, किसी लड़की की नहीं जिसमें तुम जब चाहो आके बंद करके वरमाला डाल दो। मैं वो हाथ काट कर फेंक दूंगा जो मेरे छोटे भाई की तरफ पड़ेंगे। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें समय और जगह बताए देता हूं। समय सुबह के 10 बजे, जगह हाईकोर्ट, मुलाकात वहीं। हाँ, मेरा भाई तो अदालत नहीं पहुंचेगा बल्कि तेरी लाश जरूर पहुंचेगी। जिसके सर पर अली का साया हो हैवान सिंह, उनकी रजा हुई तो मैं आधी को पैरों तले रौंद कर दफन कर दूंगा। तुम्हारे दावे में दम है। और बाजुओं में उससे ज्यादा अपने भाई की मैयत की तैयारी कर। कोई शक? शंकरा! हाँ भैया। देख मुन्ना, छोटा कल अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा नाम हैवान सिंह है मेजर। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा छोटा भाई अदालत तक नहीं पहुंचेगा। मेरे भाई को अपने हाथों से खोल दे, वरना तेरे सीने पर तेरी भारत माता का नक्शा बना दूंगा। नाम मेरा बरकत अली है, जिसके नाम के आगे बरकत और साथ में अली हो, उसे तू तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती। कोई शक? नहीं भाई, गोली मत चलाना, इसके हाथ में रिमोट है, ये कुछ भी कर सकता है। रास्ता दे दे इसको।
ये अदालत मुल्जिम शैतान सिंह को सहरे सफा 302 के तहत 16 अगस्त को फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। शैतान सिंह तुम हार गए और हिंदुस्तान जीत गए। जंग शुरू होने से पहले ना तो कोई जीता है और ना कोई हारा है। जंग तो खत्म हो गई। आई जंग तो अब शुरू होगी मेजर बरकत अली। कोई शक? अरे यशपाल, अब आप कैसे आना हुआ? मुबारक हो, मैं तेरे लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। कैसे खुशखबरी? तेरी पोस्टिंग लाउडेल कॉलेज में एक एनसीसी इंस्ट्रक्टर के तौर पे की गई है। चलो अच्छा हुआ। जंग में गोलियों की आवाज और तोपों की गड़गड़ाहट सुनकर दिमाग सुन हो गया था। कुछ दिनों बच्चों की खिलखिलाहट सुनकर दिल को सुकून मिल जाएगा। बरकत, तू जरा होशियार रहना। क्यों? लाउडेल कॉलेज के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं। किसी भी इंस्ट्रक्टर को ज्यादा दिन टिकने नहीं देते। अबे मोगले आजम कौन था? सर, सर अकबर। शराब उल्लू के पट्टे, पृथ्वीराज कपूर था। चल मार उठ बैठ। स्टॉप, ए टू जेड आता है। अच्छा, कम ऑन सर, जेड टू ए फास्ट। कम ऑन, 100 मोर डाउन। सर, आर यू रिलैक्सिंग? अबे ओ शट अप, आई एम गोगी सिंह। ओके सर। अबे और अभी आ गई तेरी जाने बहार। सालिम, एक बार तो मुस्कुराकर देख ले, तेरे घर में बावर्ची बनकर जिंदगी गुजार दूंगा। ओए हंसी तो फंसी। ओए खरगोश, तू मेरे घर में बावर्ची क्यों नहीं बन जाता? नहीं नहीं बाबा, तेरी बट्टी सुलगाने से मेरी सांस फूल जाएगी। ओए पति देख कब से सुलग रही है, तू पराठे तो सेक। बुड्ढी जी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम गुरप्रीत रखा है। हाँ। गुरु से प्रीत कीजिए ना, वो आगे गुरु जी। माशुक 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 को खोजते बेजार हो गया। प्रोफेसर था काम का, ओई अब बेकार हो गया। ये भैंस कहाँ से आ गई? क्या वो आ गया अपना साइंटिस्ट बेरू। इसमें क्या? बॉम्बा। ये बॉम्बा से एक दिन में ये कॉलेज को उड़ा देगा। क्यों, कॉलेज से तेरी क्या दुश्मनी है? ये रोज रोज पढ़ पढ़ के मेरा आंख पे चश्मा लग गया। लेकिन पढ़ेगा नहीं तो मेरा पढ़ाई खत्म नहीं होगा। मेरा पढ़ाई खत्म नहीं होगा तो मेरा बाप मेरा शादी नहीं करेगा। मेरा बाप मेरा शादी नहीं करेगा तो मेरा माधुरी दीक्षित का क्या होगा रे? अरे ये बेल हो गया। अरे चल मोटू जल्दी चल। आज कॉलेज के साल का पहला दिन है। निसंदेह कुछ नए विद्यार्थी हैं, तो कुछ पुराने, कुछ असली हैं और कुछ नकली भी हैं। कौन बोला? बोले तारे। Shut up and behave yourself। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? आप कह रही थी यू आर ए डार्लिंग। ओह यू नॉटी बॉय, तुम्हें किसे मालूम? देखो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिलों में प्रोफेसर का डर हो। मैं कम इन मैडम। कैसे दिखे जल्दी है, पीरियड खत्म होने के बाद आ जाते ना। मैडम ने लड़कों को पीरियड खत्म होने के बाद बुलाती है। क्या नाम है तुम्हारा? हरीश अशोक कुमार मंगत राम। मैंने आपका नाम पूछा है, बिस्कुट फैक्ट्री का नहीं। जी यही तो मेरा नाम है। चलो जाके वो बेंच पे खड़े हो जाओ। जी ऐसा स्टैंड ऑन दैट बेंच नाउ। और आंखें बंद कर लो। अब बताओ, अगर रात के अंधेरे में तुम्हें कोई
के साथ क्या करोगे जी? सोच के बताओ, सोच लो और आंखें बंद रखो। ये क्या हो रहा है? सोच रहा हूँ लड़की अकेले में मिले तो क्या करूंगा। क्या करोगे? हाँ, पहले उसका हाथ पकड़ूंगा। अच्छा? हाँ। कैसे? ऐसे। फिर क्या करोगे? उसके गालों को सहलाऊंगा। अच्छा? हाँ। कैसे? फिर क्या करोगे? उसका चुम्मा लूंगा। अच्छा, कैसे? बदमाश, मारूंगा। मेरी कक्षा में चुम्मन लेगा, वो भी मेरा। एक पेप्सी। जी। You like Pepsi? I like Pepsi. एक और Pepsi. पंजाबी मुक्का, ये तो रख अपने पास और ये खा हिंदुस्तानी मुक्का। हिंदुस्तानी मुक्के में दम है। दम है? बीपी का बीपी बढ़ जाता है। क्या? प्रिंसिपल प्रेम प्रदेशी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब भाई भाई के साथ लड़ता है। लड़ने का इतना ही शौक है तो जाओ सरहद पर जाके लड़ो, कम से कम मरने के बाद ये दुनिया याद तो रखेगी। किसे सर, हमें या आपको? शट अप, न जाने किस मट्टी के बने हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म, जब इस कॉलेज के अंदर मिलजुल के नहीं रह सकते तो इस देश इस मुल्क के अंदर मिलकर कैसे रहोगे तुम? अपने दिलों के टुकड़े तो हम कभी प्रांत के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी जबान के नाम पे तो हम कर चुके हैं। अब क्या भारत माता के दिल के भी टुकड़े करोगे? यू बॉयज हैंड्स टुगेदर। सॉरी सॉरी, हमारे भारत में ऐसा ही होता है। अरे पीपी तो कह रहा था मिलजुल कर रहो, और इसे देख। ओ राजा हरिश्चंद्र, क्यों टेंशन में घूम रहा है यार?
हॉस्टल पसंद नहीं आया क्या? अयो हॉस्टल तो पसंद आया, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त पसंद नहीं आया, क्यों टेक बोला ना? अरे यार देखो मियाँ, एहसान अली ने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, मगर तुम्हारे सामने सर झुका रहा है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। ओए हैरी माफ कर दे यार, अपना ही बच्चा है। यार तुझसे कोई शिकायत नहीं है? शिकायत तो उस माधुरी दीक्षित से है जिसका सर सातवें आसमान पर है। मैंने भी उसका घमंड नहीं तोड़ा, तो मेरा नाम भी हरीश अशोक कुमार मंगतराम नहीं है। ओए पूजा शर्मा दत्त पटे चक देंगे यार। ओए तू चिंता ना करी, तू भी अपना ही बच्चा है। ओए गोगी तो सरदार खेल यार। ओ चलो डफरा तू भी चल। ये एक मेरी भी। चल लकी बॉय, मेरे पत्ते पहले तू देख। चल लगा दे। तो फिर मेरी सीन। ए मेरी भी सीन। हरीश हरीश, पूजा अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जा रही है। बदला लेने का गोल्डन चांस। लेकिन उनके साथ सुमन कुमार सुमन भी जा रहा है। साला कबाब में हड्डी। अरे एहसान अली तू फिकर मत कर, उसकी भी कोई तरकीब निकालेंगे। बॉम्ब। छोड़िए
बुरी खबर सुनाने वाला हूँ। शायद कल से मैं तुम्हारी एक कक्षा ना ले सकूं, क्योंकि कल से मेरी जगह पर कोई एक एक हाँ मेजर बरकत अली आने वाले हैं। सुना है कि वो बहुत कड़क है बच्चों, मुझसे भी अधिक। सर, मगर आपके बगैर हमारा दिल कैसे लगेगा? हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, हम सब की ओर से हमारे प्यारे सुमन सर को एक छोटा सा तोहफा। सर, आप हमको बहुत याद आएगा सर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अले 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 मेरा वेलु वेलु। फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी। किन करता से विमूड हो गया हूँ मैं। मैं इन बच्चों को कितना गलत समझा था। अरे तो मेरे बगल लगी को बताएगा ये बच्चे कितने कितने बदमाश है, कितने हरामी है, कितने कमीने है, कि को छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा सब। आप हंस क्यों रहे हैं? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। हजूर, आप तो बहुत सस्ते में छूट गए। जो हमारे प्रोफेसर सुमन कुमार सुमन थे, उनका क्या हशर किया था और कौन से पानी का इस्तेमाल किया था, मैं आपको क्या बताऊं? आतिशे दोजक से डराते हो जिन्हें आग को पी जाते हैं वो पानी कर। वाह 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 वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पी 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 पी, वो वाला पी पी नहीं। वैसे तो मेरा नाम है प्रिंसिपल प्रेम प्रदेशी। मेरे विद्यार्थी लोग मुझे प्यार से पीपी कहते हैं, लेकिन बाद में मेरा बीपी बढ़ाते हैं। मिस्टर पीपी, ऐसा लगता है कि आप जन्म से प्यासे हैं। एक बार जी भर के पी लीजिए, डर निकल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारे बच्चे हैं, इस उम्र में शरारत नहीं करेंगे तो क्या आपकी और मेरी उम्र में करेंगे? इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसे माँ बाप की औलाद है जिनके पास पैसा तो बेशुमार है, लेकिन अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये विद्यार्थी लोग अपने माँ बाप से कोई इंतकाम ले रहे हैं। माँ बाप से इंतकाम? इसीलिए तो देखिए ना, सुधरने की जगह बिगड़ना चाहते हैं। मेरा नाम है मेजर बरकत अली वीरचक। बिगड़ों को सुधारने का फन मुझे अच्छी तरह आता है, कोई शक। कौन बोला? कौन बोला? अरे वो देखो, मेजर बरकत अली आ गया। अभी मालूम पड़ेगा तुम लोग को, अभी मालूम पड़ेगा तुम लोग को आ गया मेजर। नहीं ना, नहीं ना, नहीं नहीं नहीं। क्या प्रॉब्लम है, अभी तक परेड शुरू क्यों नहीं हुई? ये बच्चे बहुत बदमाश है सर, कब से चिल्ला रहा हूँ, फट गई है आवाज, एकदम फट गई है, कोई हमारी आवाज सुनता ही नहीं। अब मैं आ गया हूँ, सभी सुनेंगे, शुरू कीजिए। यस सर। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉलिंग आ गए मेजर बरकत अली बच्चे, अभी मालूम पड़ेगा मुझे बम चढ़ाया। लाइन में खड़े हो जाओ,
पांच छह सात आठ नौ दस फाइनल सॉरी तीन पांच तीस चार लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना नहीं तीसरी लाइन का चौथा बच्चा हराम को उल्लू का बच्चा आपने परेड क्यों नहीं की? मेरे पैर में चोट लगी है और जिसके पैर में चोट लगी हो वो मार्च नहीं कर सकता। चोट इन्हें लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है। वो जरा क्या नाम है तुम्हारा? नंबर सिक्स। मैंने आपका नाम पूछा है। इंग्लिश में नंबर सिक्स, हिंदी में नंबर छह और पंजाबी में कहने छक्का। अरे छोड़ यार। हे यू कम यार। कौन सर? मैं सर। यस सर। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि बिना हथियार के कैसे दुश्मन पे वार करते हैं। हाथ इस तरफ और जय। अबे उस बुड्ढे प्रोफेसर पर क्या ताकत आजमा रहे हो? मेरा नाम हरीश है, मुझ पर ताकत आजमाओ। हरीश फॉल आउट। जैसे अरे ये तो इनोसेंट है, मेरा नाम वेनु है, मेरे पे अटैक करो ना। वेनु फॉल आउट। कमांड अटैक अटैक अटैक। उसे चोट लगती तो दर्द तुम्हें होता। कहाँ दर्द हो रहा है? इधर। यो 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 यार तो एक लोकंडा। यो यो। That's all for today. बोल। अरे बोल ना। हरीश हरीश। क्या? एक खुशखबरी है। क्या? पूजा कल डिबेट में हिस्सा ले रही है। बदला। बदला। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के मैं सख्त खिलाफ हूं। हिंदुस्तान में बढ़ती हुई कतार यानी क्यू को देखकर पसीना आ जाता है। कहीं पर राशन के लिए क्यू तो कहीं पर मिट्टी के तेल के लिए क्यू तो कहीं पर गैस के सिलेंडर के लिए क्यू। इसीलिए अगर ज्यादा बच्चे हो तो क्यू का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। किसी बच्चे को राशन के क्यू में तो किसी बच्चे को मिट्टी के तेल के क्यू में और किसी बच्चे को गैस के सिलेंडर के क्यू में खड़ा करके अपना कीमती समय बचाया जा सकता है। और सबसे खास बात तो ये कि जब हमारे देश में कुछ मूर्ख भाई दंगे फसाद करवाते हैं उसी समय हम इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मगर अकलमंद बच्चों की फौज के सहारे इन दुश्मनों का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए फैमिली प्लानिंग की कल्पना करना भी अपने आगे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने के बराबर है। धन्यवाद। तो बच्चों अभी आपने परिवार नियोजन के विपक्ष में एहसान अली के विचार सुने। अब इसी के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हैं कुमारी पूजा शर्मा। थैंक यू। अभी हमारे साथी ने हमें बताया कि 10-12 बच्चे पैदा करके किसी को गैस सिलेंडर के क्यू में, किसी को मिट्टी के तेल के क्यू में और किसी को राशन के क्यू में भेज दिए जाए। लेकिन वो इस बात को नहीं सोच सके कि एक मामूली से नौकरी से वो इतने सारे बच्चों की परवरिश किस तरह करेगा।
हमारे दोस्त अपनी खुद गर्जी में एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं। औरत जीवन साथी होती है, बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं। इतने सारे बच्चे पैदा करते करते उसका क्या हाल होगा? कैसे संभाल पाएगी वो इतने सारे बच्चे? ये मुसीबत किसी एक घर की नहीं है, ये मुसीबत इस देश की है। पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही तो इस देश में गरीबी नहीं रुक पाएगी और इस देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। आबादी अगर कम होगी तो क्यों अपने आप कम हो जाएंगे? राशन और मिट्टी का तेल अपने आप मिलने लगेगा। इसलिए परिवार नियोजन की नीति को अपनाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। अभी आपने कुमारी पूजा शर्मा के उन्नतशील व ज्वलंत विचार सुने। अब हम आपके सामने एक अति अविस्मरणीय कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। देखते ही देखते जमाना आगे बढ़ गया। देखते ही देखते जमाना आगे बढ़ गया। मर्द नीचे रह गए, जनाना ऊपर चढ़ गया। वाह वाह सर, आपने कमाल कर दिया, वाह। शुक्रिया शुक्रिया। आज सुबह ही हमने ये लिखा है, पूजा की काबिलियत को देखकर, उसके बुलंद ख्यालात, जज्बात, तजुर्बात और भी बचे कुछ हालात को देखकर हम आज से इस दर्जे का मॉनिटर मुकर्रर करते हैं पूजा को। थैंक यू सर। आज से पूजा जो भी कहेगी तुम्हें उसके हुक्म की तामील करनी पड़ेगी। वो कहेगी उठो, सबको उठना पड़ेगा। वो कहेगी बैठो, सबको बैठना पड़ेगा। वो कहेगी कुएं में कूदने को कहेगी तो कूदना पड़ेगा। अम्मा कितना घटिया सवाल किया है। पूजा सिट डाउन। पूजा जो भी कहेगी करना होगा। जी हाँ। वही जो आपने कहा था। मैंने क्या कहा था? पूजा जो भी कहेगी वो करना। पूजा ने क्या ये कहा था? सर आप ही देख लीजिए ना। क्या? ये तुम्हारी हरकत है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चलो प्रिंसिपल साहब के पास। यहाँ चलो। तुमने आज वो काम किया है जो पीपी ने 40 साल में नहीं किया। तुम पीपी का बीबी बढ़ाता है। नो सर, नो। लड़की का चुम्मा तो तुमने ले लिया, अब मुन्ना मैं तुमको दूंगा। सर मैंने तो डू यू रियली लव हर? यस सर, यस। बेंड डाउन समझा कर, बेंड डाउन। सर चुम्मा लेगा, बीबी का बीबी बढ़ाता है। लड़की का तुम्हारा चुम्मा लेगा, लड़की का तुम्हारा चुम्मा लेगा। अब तो मेरी परछाई के करीब भी आने की कोशिश मत करना, समझे? अयो जाले मने किस बेदर्द से पीट आ रहे हैं। मार मुझे नहीं पड़ी, इस किताब को पड़ी। अगर तुम कहो तो फिर से चुमा ले लो। चलो चलो। इसे तो कहते हैं नैली पे दहला। शराफ मैं कहता हूँ कि नीचे आओ। नीचे आके क्या करेंगे? फिर वही गलत नक्शे बनाओगे, कई देशों के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तेरा वाले मंत्रियों के नाम पड़ेगा, वो तो हर 6 महीने में चेंज होता है। शट अप, नीचे आओ। ओके, तुम लोगों ने शराब पी है? नो सर। रामसाब तुम लोगों को शराब कहाँ से मिली? सर झूठ बोलो या सच? सच सर, आप ही के रूप से चुराया। सर चुराया।
आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। आप भी नहीं पिएंगे, वरना बाहर पे भेज देंगे। Shut up, बदतमीज लड़को। I shall investigate you both. कब सर, कब सर? अच्छा, तो ये सारी बदमाशियां तुम लोग इसलिए करते हो ताकि यहाँ से बाहर निकाले जाओ। You are right, Major, right. तुम लोग बाहर जरूर जाओगे। लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में ऐसा ही होता है। कल सुबह परेड ग्राउंड में मुलाकात होगी, कोई शक? या ओए, कोई दाढ़ी नहीं बनाएगा। क्यों? मेजर बरकत अली को सबक सिखाना है। अगर हम लोग दाढ़ी नहीं बनाएंगे तो मेजर बरकत अली हमें परेड से निकाल देगा। तो हो जाएगी सबकी छुट्टी। वीडियोस ऑफ मेजर बरकत अली। दाढ़ी क्यों नहीं बनाए? गरम पानी नहीं मिला। और तुमने? मुझे भी गरम पानी नहीं मिला। और तुमने क्यों नहीं बनाए? मुझे भी गरम पानी नहीं मिला सर। और सर, कल से हम लोग दाढ़ी बनाएंगे नहीं सर। पतलून क्यों नहीं पहने? बहुत गर्मी होता सर। तो फिर कोट क्यों पहना? ऊपर बहुत ठंडी होता, नीचे बहुत गर्म होता, ऊपर बहुत ठंडा होता। और तुमने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? ए सरदार, दाढ़ी बना दिया क्या? ये क्या है? जेब खराब है। ओ, इसको शर्ट को अंदर डालो ना। ए अगवाड़े को पिछवाड़ा बना के पेश कर रहा है। आर यू फ्रॉम फगवाड़ा? नहीं ना। कल से जो दाढ़ी नहीं बनाएगा, फॉल आउट। फॉल आउट? सर, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इनका सुधरने का कोई चांस नहीं है। ये बदमाश छोकरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। आपने इनकी एक बात पर गौर किया? कौन सी बात? इनकी एकता। हा? ये इनाम भी साथ लेना चाहते हैं और सजा भी। ये मेरी पहली जीत है। भारत में क्या हो रहा है सर? मेरी मानो, हम इस्तीफा देकर कहीं और जाकर नौकरी ढूंढते हैं सर। देख रहे हैं आप मेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। आपके सामान के साथ साथ ये आपको भी बाहर फेंकवाना चाहते हैं। सर, हमने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ व्यर्थ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। शर्म करो आप लोग, शर्म करो। किसी भी प्रोफेसर को इस कॉलेज में 6 महीने से ऊपर टिकने नहीं देते। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। सुधरो सुधरो, आप सुधारो इनको। सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ, हम दोनों छोड़ के चले जाएंगे ये कॉलेज, समझे? नहीं ना। चलिए सर, फटा सर, चलिए सर। प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो। छिलके उठाओ, मैं कह रहा हूं ये छिलके उठाओ। गो बैक टू योर पोजीशन। तुम लोग शरारती जरूर हो लेकिन इंटेलिजेंट भी।
इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग सब अपने दिमाग को सही जगह पर इस्तेमाल करो। मेरा मतलब है डिस्ट्रक्टिव काम में नहीं, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ। हर देश की पहचान उस देश के नौजवानों के इरादों से, उनके किरदार से होती है। इसलिए मैं चाहूंगा अगर तुम लोग अपना दिमाग सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो एक दिन इस देश को तुम्हारे नाम पर फख्र होगा। मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे वापस आने तक मैं तुम लोगों में तब्दीली देखना चाहता हूं। ओके? You must change yourself. Next time, no problem. ये ले मुझे। इंटरवल, चाय पानी पियो, शौचालय जाओ और जल्दी वापस आओ, जल्दी। ओए पूजा कुछ कर, वरना इनके सामने अपनी नाक कट जाएगी। हाँ रुक जाओ, कोल्ड ड्रिंक्स हम नहीं हमारे आशिक पियेंगे। मतलब रुक जाओ रानी, आप देखो हार जीत में कैसे बदलती है। हरीश जी आप थक गए हैं, आपका गला सूख रहा है, इसे पी लीजिए, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। कसाई के दिल में बकरे के लिए प्यार नहीं, मैंने भी था। अरे अगर कोई खूबसूरत लड़की हमें प्यार से जहर भी पिला दे तो हम पी ले। अरे चलो चलो जल्दी यार, चलो चलो। फंक्शन की तैयारी करो, दिस शुड बी अ मेमोरेबल इवेंट। सीएम शौकत अली, मेरा नाम हैवान सिंह है, मैं शैतान सिंह का बड़ा भाई हूं। तुम चाहते क्या हो? हिंदुस्तान की बर्बादी और शैतान सिंह की आजादी। हिंदुस्तान कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है हैवान सिंह, जिसे तुम अपने हाथों से तोड़कर मिटा सको। और रही बात तुम्हारे भाई की आजादी की, तो 16 अगस्त को उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा।
धीरे बोलो मुख्यमंत्री, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। दिल्ली फोन करके बात कर लो और मेरे भाई को रिहा कर दो, नहीं तो। दरवाजा खोलो। नहीं साहब, अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
तू क्यों नहीं लेटता सबके साथ? अल्लास राजा। कौन हो तुम? इंसान की शक्ल में हैवान। किंतु आप जानते क्या हैं? तुम सबकी मौत और मेरे भाई की जिंदगी। तुम्हारा भाई? कौन है तुम्हारा भाई? मेरा भाई वो है जो भगवान से टक्कर लेता है। नाम है शैतान सिंह। शैतान सिंह? लेकिन उसे तो फांसी होने वाली है। ए! सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, आसमान गिरकर जमीन पर हो सकता है, मगर दुनिया में अभी तक वो रस्सी नहीं बनी जो मेरे भाई की गर्दन को कस सके। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हुकूमत ने फांसी की सजा सुना ही दिए तो। ऐवान हुकूमतों के तख्ते अपनी बंदूकों के जोरों से पलटना अच्छी तरह जानता है, और तुम सभी लोग उसका नजारा बहुत जल्द देखोगे। अंदर ले चलो सबको। से या आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जंग तो सरकार से है। देखिए भाई साहब, अगर आपकी जंग सरकार के साथ है तो इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इनके तो पढ़ने लिखने के दिन हैं। इसलिए हम आपके बच्चों के लिखने पढ़ने में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, कल से कोई भी क्लास क्लासरूम में नहीं चलेगी, कॉलेज के खुले मैदान में हम लोगों की निगरानी में चलेगी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। Shut up and keep sitting there, okay? Hello? लवडेल कॉलेज मेरे कब्जे में है, सारे बच्चे मेरी हिरासत में हैं। मैंने कॉलेज में चारों तरफ बॉम्ब बिछा दिया है। अगर तुमने मेरे भाई को 15 अगस्त तक रिहा नहीं किया तो मैं पूरे कॉलेज को उड़ा दूंगा। डोंट वेस्ट टाइम चीफ मिनिस्टर, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन 7 घंटे 30 मिनट और 10 सेकंड। भैया कुल मिलाकर 81।
अटेंशन एवरीबॉडी, मेरा मकसद सिर्फ मेरे छोटे भाई की रिहाई है। जिस दिन तुम्हारी सरकार मेरे छोटे भाई को छोड़ देगी, मैं खुद ही यहां से चला जाऊंगा। तब तक इस कॉलेज में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। आज के बाद तुम लोगों की क्लासेस क्लासरूम में नहीं चलेंगी, तुम लोगों की क्लासेस बाहर लॉन में मेरे आदमियों की निगरानी में चलेंगी। और एक खास बात, आज से हर एक घंटे के बाद स्टूडेंट्स की गिनती होगी, हर एक घंटे के बाद। अगर एक स्टूडेंट कम होगा तो दो को मारूंगा, अगर एक स्टूडेंट कम होगा तो दो को मारूंगा। Is that clear? Is that clear? पूरे कॉलेज को बारूद के तारों से घेर लिया गया है, ना ही कोई उसे छुएगा और ना ही कोई कॉलेज के बाहर जाने की कोशिश करेगा। मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तुम्हारी सांसें इस लाल बत्ती में कैद है। अगर मैंने बटन दबाया तो तुम्हारे कॉलेज की बिल्डिंग धमाके के साथ हवा में उड़ जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कैवान सिंह और उसके साथियों को सरेंडर करने पर जल्द से जल्द मजबूर कर दें। कब करेंगे आप? जब हमारे बच्चे मर जाएंगे? हमें हमारे बच्चे चाहिए। हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप शैतान सिंह को छोड़ दीजिए। उस दरिंदे को छोड़ दें जिसने ना जाने कितने मासूमों की जान ली है। नहीं, आप क्यों छोड़ेंगे? आप जब तक 10 या 20 बच्चों की जान की कुर्बानी नहीं लेंगे, आपको चैन की सांस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी औलाद को तो कोई जान का खतरा नहीं। वो भले ही मेरी औलाद नहीं है, लेकिन इस देश की अमानत है, इस मुल्क की जान है, और कसम है मुझे इस मुल्क की, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। ये मेजर बरकत अली का वादा है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना हम अंदर आ रहे। हमने कॉलेज बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रखा है, अगर मैंने रिमोट दबाया तो सारे के सारे बच्चे मारे जाएंगे। अंदर आने की कोशिश ना करना। बरकत, होशियार रहना, वो लोग संख्या में बहुत ज्यादा है। पर असला भी उनके पास बहुत है। मुझे तो फिक्र है मेरे स्टूडेंट्स की, बहुत शरारती हैं, खास करके हरीश, ऐसी हालत में वो कुछ भी कर सकता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, चल हट, क्या देखते हैं, चल उधर, एक चल उधर।
दिल की आवाज है जाने मन, ये गीत नहीं मेरे दिल की आवाज है, तू ही मेरा हमदम है, तू मेरा हमराज है, जाने मन ये गीत नहीं मेरे दिल की आवाज है, जाने मन ये गीत नहीं मेरे दिल की आवाज है, तू ही मेरा हमदम है, मेरा हमराज है, जाने मन इस कॉलेज में वीआईपीस के तीन बच्चे भी पढ़ते हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर शौकत अली का बेटा एहसान अली भी है। चीफ मिनिस्टर का बेटा? लेकिन हमारे पास तस्वीरें नहीं है, पहचानेंगे कैसे? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा कौन है? तुम्हारा नाम पूजा शर्मा है? हाँ। तुम्हारा बाप सामंता सहकारी बैंक का चेयरमैन है? हाँ। गोगी सिंह, तुम्हारा नाम गोगी सिंह है? हाँ। तुम्हारा बाप कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरनाम सिंह है? हाँ। तुमको पंजाबी बोलना आता है? हम हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हिंदी जानते हैं। हिंदुस्तानी, तो इसका मतलब है तुम्हें पंजाबी बोलना नहीं आता। कहा ना, सिर्फ राष्ट्रभाषा हिंदी जानता हूं।
मुन्ना इन सारे मुंडे कुड़िया नू मकई दी तरह पौंदे तुझे तो पंजाबी नहीं आती Not with me. एहसान अली कौन है? मैं हूं एहसान अली. मैं हूं एहसान अली. अबे एहसान अली. प्रिंसिपल, तो तेरा नाम भी एहसान अली होगा. अगर किसी मासूम बच्चे की जान बचती हो तो मैं ही हूं एहसान अली. तो तू ही है एहसान अली. हाँ, मेरा नाम एहसान अली है. ठहरो. मैं हूं एहसान अली. जो सजा देनी है मुझे दो. ऑफिस में लेकर आओ इसे. नहीं नहीं. एहसान अली, तुम जा सकते हो. तुम इस कॉलेज से बाहर जा सकते हो. तुम तो चीफ मिनिस्टर के बेटे हो. हैवान सिंह, एहसान अली इतना एहसान फरामोश नहीं कि अपने दोस्तों को मौत के मुंह में छोड़कर अकेला भाग जाए. हम लोग जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ. तू जाता है या लेकिन हैवान सिंह तू मर नहीं. तू चाहता है कि मेरा बाप चीफ मिनिस्टर आए और मुझे बचाने के लिए वो तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा. इसलिए तू डर गया. तू डर गया. छोटा बच्चा है तू, इसलिए हैवान सिंह के सामने इतना बोलने की हिम्मत कर गया. ले जाकर बाहर छोड़ दो इसे, ताकि इसका बाप चीफ मिनिस्टर हमसे खुश होकर मेरे छोटे भाई को छोड़ दे. जा बेटा, जा. किसने गोली चलाई? गोली किसने चलाई? जानते नहीं, मैंने उसे आजाद कर दिया था. चीफ मिनिस्टर का बेटा है वो. मेजर बरकत अली से कहो इसे ले जाए. गो. एहसान, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते. सर, जीते जी तो अब आपको हंसाना सके, पर मरते मरते रुला दिया. एहसान, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजू. मेजर बरकत अली,
मैं चाहूं तो तेरे सर को भेजे के साथ उड़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, तू ही मेरे भाई को फांसी के फंदे तक ले गया है, और मैं चाहता हूं कि तू ही मेरे भाई को मेरे पास लेकर आए। ले जा इसे। ये क्या चेहरे का नक्शा बना रखा है? मुसीबत में भी फौज का सिपाही अपने चेहरे का नक्शा ठीक रखता है। कल तक अगर नक्शा ठीक नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई शक? आज मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि आर्मी वालों के सीने में दिल नहीं पत्थर है। अंधा है क्या? एक तो हमारे दोस्त की जान चली गई और वो है कि बके जा रहा था। ये क्या चेहरे का नक्शा बना कर रखा है? तो क्या किसी के मरने पर चेहरे पर मेकअप लगाकर खड़े होते हैं? और नहीं तो क्या? चुप। कहीं मेजर बरकत अली का ये तो मतलब नहीं कि उन्हें आतंकवादियों के हथियारों और उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है इसका नक्शा चाहिए? यू आर राइट, हमें इनकी पोजीशन और हथियारों की जगह का नक्शा बनाकर मेजर तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए। अयो हरीशा, यू आर अ ग्रेट। Sandwiches. For you, sir. Thank you. कैसा है सर? बहुत अच्छी है। अमूल में तो जाया? नहीं नहीं नहीं, होममेड है, मैंने बनाया है। ये लीजिए, खाइए, ओके? शुक्र। बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए चाय। हाँ ठीक है, लीजिए। चाय कैसी लगी? वाह क्या चाय है, ऐसी चाय तो मैंने जिंदगी में नहीं पी। साथियों चाय पियो। यहाँ दो थे, यहाँ और यहाँ, और यहाँ बीच में मशीन गन है, यहाँ भी। यहाँ पे दो टेररिस्ट हैं, दक्षिण की ओर एक गटर पाइप है, उसमें से बाहर निकल सकते हैं। अवान सिंह, कल हमारी आजादी का दिन है। हम सब ने फैसला किया है कि हम अपने देश का झंडा फहराएंगे और आजादी की खुशी में जश्न भी मनाएंगे। मौत के मुंह में खड़े हो और जश्न मनाओगे? हरिवान सिंह, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जाएंगे? ये बात है तो मनाओ जश्न, मैं भी अपने भाई की आजादी का जश्न मनाऊंगा। Thank you.
मेजर साहब आपका स्टूडेंट आपसे मिलना चाहता है, उसे लेकर यहाँ आओ। ओवर सर। लग रे लग लग हर माला थारा बाग में नारंगी।
नक्शा लेकर आया हूँ वो कम से कम 40 लोग हैं, बाकी सब कुछ इसमें है। लेकिन तुम कॉलेज से बाहर कैसे आए? सर कॉलेज के दक्षिण और एक गटर पाइप है उसमें से आया हूँ। सर मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं जा रहा हूँ। डोंट बी स्टूपिड, अगर तुम जाते हुए पकड़े गए तो हेवान सिंह तुम्हें मार डालेगा। अगर मैं वहाँ पे वक्त पे नहीं पहुँचा तो मेरे बदले में मेरे दो साथियों को मार डालेंगे। सर प्लीज आप इनको समझाइए। यशपाल इसे जाने दो। सॉरी बरकत, आई कांट टेक द रिस्क। सबको गिनती के लिए लाओ अभी। चौहत्तर, 77, 78, 79, 80, 1। भैया एक कम है। हो सकता है कि गिनने में कोई गलती हो गई हो। शंकरा दोबारा गिन। अठहत्तर, 79, 80। भाई एक कम है। क्यों प्रिंसिपल, अब क्या जवाब है तेरे पास? स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोगों से कहा था अगर एक स्टूडेंट कम होगा तो दो को मारूंगा। कहा था ना? है? दो को मारूंगा मैं। मार दो इन दोनों को। नहीं, इन बेचारों का कसूर क्या है? शंकरा शूट देम। नहीं, मरने का बहुत शौक है तुझे। मारना है तो मुझे मार, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? शंकरा उड़ा दे इसे भी। सर, कहाँ था तू? बाथरूम में नहा रहा था, घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी। ये चोट का घाव कैसे लगा? हाँ, बाथरूम में गिर गया था। रॉबर्ट ले चलो इसे। चल 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 चल
मैंने तुम सबको समझाया था, कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी सरकार से है। पड़ गई ना तुम्हारे दिल में ठंडक, मिल गया सुकून? मरवा दिया ना एक मासूम को। तुम आदमी नहीं, राक्षस है राक्षस। उस मासूम बच्चे की रूह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बाकी उस मासूम की रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा था, जिस गम में मैं डूब गया हूं उस गम के समुद्र में आप लोगों को नहीं ढकेलूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप सबके बच्चों की सलामती के लिए शैतान सिंह को रिहा कर दिया जाए। नहीं सीएम साहब, इस देश के कानून को मैं हारने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। बरकत अली की आंखों में धूल झोंक कर आ गया हूं मैं। भैया वेलकम। भैया तो ठीक है ना? ठीक हूं मैं। अगर हिंदुस्तानी सरकार तुझे नहीं छोड़ती ना, तो छोटे मैं खून की नदियां बहा देता, सबको खत्म कर देता। अब दिखाऊंगा मैं फोन लगा चीफ मिनिस्टर को। हेलो चीफ मिनिस्टर, कान खोलकर सुन लो, एक घंटे के अंदर मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए और तुम ना नहीं करोगे, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो शैतान सिंह कितना बड़ा शैतान है। डोंट प्ले एनी गेम्स। क्या एक काफिर अपने देश को तबाह करने जा रहा है और आप यहां मुंह लटकाए बैठे हो? बच्चों खाओ अपनी भारत माता की कसम कि आज हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी भारत माता के ऊपर आज नहीं आने देंगे। कोई ऐसी आइडिया निकालो शैतान सिंह हैवान सिंह यहां से भाग ना पाए। आइडिया
कैसा आइडिया? ये बॉम्ब कंट्रोल का बैटरी फेल कर दिया तो क्या होगा? उसका हालत ऐसा हो जाएगा जैसे बगैर दांत के शेर का। पूजा, तेरे को दमा मालूम? बुड्ढी, वो चक्कर की है, कितने जा रहे हो? प्रिंसिपल के रूम में। ये तो टॉयलेट है यार। उठ सरदार जी, चुप। मेरी बात गौर से सुनना, इस नल को ऑन रखना। अगर उनका कोई आदमी आ जाए तो इसे फौरन बंद कर देना, हम समझ जाएंगे कुछ खतरा है। ओके, ठीक है मान। हॉस्पिटल ले जाना होगा। उधर ग्रे कलर का एक बॉक्स होगा। मिल गया। अब कवर को निकाल। अब उसमें एक लाल चिप और एक नीला चिप होगा। हाँ, मिल गया। अब क्या करूं? लाल निकालो कि नीला? लाल निकालो। नहीं नहीं, नीला निकालो। नीला। अयो, लाल लाल निकालो। लाल। एक मिनट, याद नहीं आ रहा है। अबे, तू साइंटिस्ट है या गधा? गधा, भूल गया। एक मिनट। पंप 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 पंप। मिल गया, लाल वाला लाल चिपो। अब ये देखा, टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर पड़ा है। पीछे से टेप रिकॉर्डर का कवर निकाल।
भी एक लाल और एक नीला चिप होगा। Should I call a doctor? अब रिमोट कंट्रोल का लाल चिप टेप रिकॉर्डर में लगा। अरे टेप रिकॉर्डर का लाल चिप रिमोट कंट्रोल में लगा। हिंदुस्तानी मुक्का बोलो सो निहान सच निहान सॉरी वेरी सॉरी मारना पूजा हो गया देखो तुम्हारे हाथ की निशान बता रही है बाशुक सर सब लोगों को कॉलेज के प्रिंसिपल में छोड़ो भागो भागो जल्दी भागो सब लोग प्रिंसिपल की तरफ जाइए जल्दी कम ऑन जल्दी आइए क्या कर रहे हैं बाशुक सर जल्दी चलो चलो जल्दी हां जंप 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 सब लोग लैब की तरफ चलो लैब की तरफ चलो 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 जल्दी 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 करो आ जल्दी भैया शाम टॉयलेट में मरा पड़ा हुआ है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है राम सिंह पता लगाओ कि शाम को किसने मारा है आदमियों से कहो कि भून डालो सब बच्चों को चलो खलास जल्दी चलिए कमान कमान हरी अब Thank you.
स्टूडेंट्स कहाँ गायब हो गए? हम नोच डालेंगे जो हमारे देश की तरफ उठेंगी।
वो हाथ हम काट डालेंगे, जो हमारी सरहद की तरफ बढ़ेंगे वो जबान हम खींच डालेंगे, जो हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाएगी। जब तक इस पाक मिट्टी पर एक भी मजर बरकत आली वीर चक्र जिंदा रहेगा। ऐसा हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा, कोई शक? हमारे भारत में ऐसा होता है। कैसा? ऐसा, ऐसा। से बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है जिसे मां का आशीर्वाद मिल जाए। मुझे तो आज सारे देश की मां का आशीर्वाद मिल गया। बस एक वादा करो, आज के बाद अपना दिमाग, अपनी शक्ति सही दिशा में लगाओगे। हम वादा करते हैं सर। जय हिंद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। हमारे भारत में ऐसे ही होता है।